दोस्तों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने एक ऐसे बालक को आमंत्रित किया है जिसने जो है अभी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वो अमेरिका जा रहा है। हम आपको बता दें कि हमारे समाज का गौरव मास्टर श्रेयांश जैन, दरअसल ये 10 साल का बेटा सचिन जैन, इनके पिताजी, ये जल्द ही अमेरिका में फिनिक्स एरिजोना में वर्ल्ड हिप हॉप चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। सबसे पहले तो मास्टर श्रेयांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इसके साथ ही ये श्रेयांश के पिताजी जो है सचिन जैन भी हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, मैं भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि मास्टर श्रेयांश के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे छोटा साइकिल इन्होंने चलाकर जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 8 फरवरी 2023 को मुंबई के होटल ताज चौपाटी पर हिप हॉप इंटरनेशनल डांस प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट ग्रुप को अपना पहला खिताब जीता है। सबसे पहले तो श्रेयांश, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सचिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कब आपको ऐसा लगा कि आपके बेटे में जो है ये एक अलग टाइप की क्वालिटी है। मैडम, ये जब 5 साल का था तब से मैं इसको, इसकी प्रतिभा को निहारता हूँ जी। देखता हूँ कि ये हर चीज कॉपी करने को देखता था। कोई डांस दिखे तो डांस करता था, मैं साइकिलिंग करता था तो ये साइकिलिंग भी करता था, तो मैं रनिंग करता तो ये रनिंग भी करता था। बाद में इसका ज्यादा फोकस डांस पे हुआ। अच्छा। तो मुझे लगा ये डांस पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, तो क्यों ना इसको डांस क्लास में डाला जाए। तो जब इसकी उम्र 7 साल की थी तब मैंने, 7 साल की थी तब मैंने इसको डांस क्लास में डालना चालू किया। और 1-2 साल में इसमें अच्छी प्रतिभा दिखी मुझे डांस की, तो कुणाल डांस एकेडमी करके एक डांस एकेडमी है तो वहां पे इसको डाला और 1 साल के भीतर काफी अच्छा इसने हमें इम्प्रूवमेंट दिखाया डांस में। क्या आपके फैमिली में भी में से भी कोई है इस फील्ड में? हाँ मैडम, मैं पहले मैं भी एक जैन समाज के स्टेज शो करता था। अच्छा। हाँ, तो वो एक थोड़ी मुझमें, बोल सकते हो कि थोड़ा मुझमें वो गुण आ चुका था, वो मेरे बेटे में वो गुण आ गया है। हाँ। लेकिन देख के अच्छा लगा कि बेटा सीख रहा है, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है मैडम बच्चे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब एक समय में पिता भी वैसा हो और बेटा भी वैसा निकले और आगे जाके ये टचवुड ऐसा ही हो कि आपको लोग आपके नाम से नहीं आपके बेटे के नाम से जाने। हाँ, कि ये श्रेयांश के पापा है। यस यस, मुझे अभी भी लोग बोलते हैं आप श्रेयांश के फादर हो क्या। हाँ, हाँ, मुझे अभी भी एक गर्व मुझे महसूस होता है कि लोग मुझे पूछते हैं आप श्रेयांश के फादर हो क्या। हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रेयांश के फादर के बारे में अभी हाल ही में रामनवमी की बहुत बड़ी झांकी संपन्न हुई थी और उसमें सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र जो था वो था बाहुबली हनुमान जी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो शख्स हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं वो ही एक्चुअली बाहुबली हनुमान के गेटअप में थे जिन्हें मेघा कपूर एमएसआर ने रेडी किया था। सर, ये बताइए कि थोड़ा सा मैं अभी आप पे जाती हूँ कि इतना हैवी कॉस्ट्यूम, आप इतना सारी चीजें जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? बचपन में मैडम जो शोभा यात्रा देखा करता था, मन में जिज्ञासा थी कि मेरी खुद की भी एक दिन शोभा यात्रा हो, मेरा खुद का भी एक दिन झांकी हो। तो पापा के साथ हम देखने जाते थे तो पता चला यार शोभा यात्रा भी कुछ चीज होती है। तो फिर हमने इंक्वायरी की कि बोला हमको भी एक शोभा यात्रा बनानी है, तो उद्धारेश्वर राम मंदिर वाले ने हमें ऑफर दी कि ठीक है आप शोभा यात्रा बना सकते हो। तो हमने शोभा यात्रा की तैयारी की लेकिन विषय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या विषय बना जाए। हर बार निजू झांकियां होती है लेकिन हमने सोचा इस बार क्यों ना क्यों सजीव झांकी बनाई जाए। तो हमने सजीव झांकी का निर्माण किया और तभी ट्रेंडिंग में था महाबली बाहुबली हनुमान। तो हमने महाबली बाहुबली हनुमान कॉस्ट्यूम को रेडी करने की शुरुआत की। 1.5 साल से मैं कॉस्ट्यूम के पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे इस बार महाबली बाहुबली हनुमान के रूप में ही उतरना है और बाहुबली की झांकी हमको इस बार नागपुर को दिखाना है। तो हमने उसकी तैयारी की। अब सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसका मेकअप कौन करेगा। अब मेकअप के लिए हमें बहुत ट्राई किया लेकिन हमको उस टाइप का मेकअप जमा नहीं। फिर हमें पता चला कि मेघा कपूर आमेसर मैम जो है वो काफी अच्छा मेकअप करती है
और इंडिया के टॉप 10 में मैडम का नाम आता है। बिल्कुल। तो मैंने मेघा कपूर मैडम को ऑफर दिया। मैडम बोले मुझे इस कलयुग में हनुमान का मेकअप करने मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फक्र की बात है सचिन, तो क्यों नहीं मैं तेरा मेकअप करूंगी। मैम ने 2 घंटे में मुझे तैयार किया, दोपहर को 2 बजे से रात को 2 बजे तक मैं वही ड्रेस में एक महाबली बाहुबली के रूप में नागपुर के लोगों को दिखा दिया मैंने कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। मैंने भी महाबली बाहुबली हनुमान के रूप में नागपुर को अपना रूप दिखाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस मेघा कपूर एमएसआर की इन्होंने बात की, ये माइथोलॉजी मेकअप में जो है इन्होंने विशारत हासिल की है। शायद ही नागपुर में ऐसा कोई शख्स होगा जो इस तरह का मेकअप करने में परिपूर्ण होगा। मेघा कपूर ये हर तरह के जो है वो गेटअप तैयार करने में महारत हासिल करती है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने बाहुबली हनुमान जी का जिक्र क्यों किया, तो दोस्तों यहाँ जो शख्स मौजूद है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बताना जरूरी है कि इनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आज इनके पिता जो रात दिन एक करके कभी हनुमान जी के गेटअप में तो कभी स्टेज में थिएटर में जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जो उसमें हिम्मत है और जो ये बोलना चाहेंगे कि आगे बढ़ने की क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन्होंने जितने भी गेटअप धारण किए और जितने भी इन्होंने अभी तक पैसे जमा किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को एक ऊंचे मकाम तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और आगे भी उनका प्रयास जो है वो जारी रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मास्टर श्रेयांश जैन जो है वो कुणाल डेल डांस एकेडमी तथा केशवनगर प्राइमरी स्कूल में 2री कक्षा के छात्र हैं, राइट? इनके पिता सचिन जैन जो कि स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और वह भी अपने समय के साइकिल चैंपियन रह चुके हैं जैसा कि मास्टर श्रेयांश है, और आपने भी कई रिकॉर्ड के साथ अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। मास्टर श्रेयांश सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ट्रेनिंग शेड का बंदोबस्त तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है डाइट होती हैं तो वो परिवार ने जैसे तैसे मैनेज तो कर लिया है। लेकिन अब आपको बता दूं कि हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि अब मास्टर श्रेयांश अमेरिका में भारत का तिरंगा फहराने के लिए उत्सुक है। मास्टर श्रेयांश, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। Okay. तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हिप हॉप का आइडिया दिमाग में कैसा आया? मतलब डांस के तो बहुत सारे स्टाइल होते हैं, फ्री स्टाइल होते हैं, क्लासिकल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हिप हॉप जो है सबसे हार्ड है, तो दिमाग में कैसे आया कि यही करना है? क्योंकि वो मेरा एक इच्छा थी, मेरे को वर्ल्ड हिप हॉप में जाना है। तो भगवान ने मेरे को गोल्ड मेडल जीता दिया, फिर फर्स्ट आया। तो जब मैंने सर्टिफिकेट में देखा गो फॉर यूएस, तब वो अलग ही एक खुशी आई थी। मास्टर श्रेयांश, आप किसको कॉपी करते हो, मतलब हिप हॉप में आप जो है अपना गुरु किसे मानते हैं? मैं रील्स में करता हूँ कार्तिक राजा और रेमो डिसूजा। क्या बात है, रेमो डिसूजा। श्रेयांश, हमने सुना है कि बहुत सारे टीवी रियलिटी शो जो है डांस शो में भी आपने अपना जलवा दिखाया है, तो ऐसे कौन कौन से टीवी शोज हैं जहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगा? डांस दीवाने जूनियर्स है, जी मराठी, कलर्स। और आगे का प्लान क्या है, कुछ है आइडिया कि कहीं और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुझे खेलना है ऐसा कुछ? हाँ, अभी वहाँ पे तो जीत के आना है, फिर तो दुबई वगैरह डांस, फिर माइकल जैक्सन वगैरह सब, वरुण धवन से सब लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा शम्स, कब आप अभी कैसा महसूस करते हैं जब आपके से ग्रुप के फ्रेंड सर्कल है वो बोलते यार श्रेयांश मुझे भी सिखा दो ना, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, सर भी सपोर्ट में। आपको कौन सिखाते हैं? कुणाल सर। तो वो हर टाइप के स्टाइल सिखाते हैं या पर्टिकुलर आपका बेस जो है वो हिप हॉप? हर स्टाइल। ओके, अगर आप किसी डांस कंपटीशन में जाते हैं तो पर्टिकुलर हिप हॉप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं या फिर और भी आप जो डांस है वो कर लेते हैं? हिप हॉप वगैरह वगैरह
जैसा सर बोले वैसा। सचिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा अभी तो मैंने बताया कि बहुत सारे थिएटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि और कैसा है ये पूरा मास्टर प्लान? जैसे अभी जुलाई के महीने में श्रेयांश अमेरिका जाने वाला है, तो किस टाइप का शेड्यूल है वो? शेड्यूल बोलो तो मैडम, उसका शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है। हमें उसको कम से कम मैडम 5-5.5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। उसमें वीजा है, उसमें आने जाने का इंक्लूडिंग फेयर है, स्टे है, फूड है, सब टाइप का खर्चा मिला के हमको 5-5.5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। उसकी तैयारी मैंने अभी से कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं 1-1.25 लाख रुपए अभी तक मेरी कोशिश की जा चुकी है, मेरा जमा हो चुका है। और बाकी अब डिपेंड करता है कि कोई स्पॉन्सर, कोई प्रायोजन करता, कोई ऐसा मिले तो हम उनका नाम चलाएं, उनके नाम का ट्रैक सूट पहने, उनके नाम का एक स्पॉन्सर बन के हम जाना भी चाहते हैं। तो मैडम देखिए, कुछ हो सकता है तो। दोस्तों तो चलिए बढ़ाएंगे हम अपना हाथ मास्टर श्रेयांश के आत्मविश्वास के साथ, इनके जोश को बरकरार रखने के लिए, और साथ ही उनके नया इतिहास रचने, उनके हौसले को बुलंद करने में, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में दीजिए। हम तो दे रहे हैं साथ, आप भी दीजिए। हमने दिया, अब आपकी बारी है सर। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं इतना मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानो। अगर बच्चा, आप उसको जबरदस्ती ना करो किसी भी चीज में। अगर बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, उसको प्रेशराइज मत करो कि नहीं तुझे ये करना है तो करना ही है। अगर जिस बच्चे में, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, आप उसी में उसको डालो, किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती ना करो। आज मेरे बच्चे में मुझे प्रतिभा दिखी जो डांस में दिखी, तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं डांस में उसको आगे बढ़ाऊं। लेकिन प्लीज आप बच्चों को प्रेशराइज ना करो, यही मेरी आपसे आशा है। क्या बात है दोस्तों, वाकई में कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं, जिस वजह से बच्चा जो है वो एक्चुअल में जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटक जाता है। दोस्तों ऐसे भी लोगों की जरूरत है। आज जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है, वाकई में अपने बच्चों के अंदर में छुपी प्रतिभाओं को समझने की कोशिश करिए, और बच्चे में जिस टाइप का भी, उसे जिस फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है तो उसे बढ़ावा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से हम पीछे हट जाते हैं, और शायद सचिन सर आपके साथ भी ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, और कई छोटे मोटे चीजों के जरिए जो है आप अपने बेटे को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बस एक मैं आप लोगों से भी हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मास्टर श्रेयांश को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। दोस्तों इस सामाजिक कार्य को आप, हम सभी तन मन धन से मदद कर सामाजिक एकता को बरकरार रखने में उम्मीद करते हैं कि मास्टर श्रेयांश को आप लोग उम्मीद करेंगे। मदद करने हेतु हमने यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स भी इनके दी है। सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने बैंक डिटेल्स आपको यहाँ भेजी हुई है। हाँ। इसमें मेरा अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर है। हाँ। और एक गूगल पे नंबर भी मैंने दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा नंदन शाखा का नंबर है, और गूगल पे, फोन पे, ये दोनों इसी पे है, आप इस पर आप हेल्प कर सकते हो। किस टाइप का नंबर है सर, मैं जानना चाहूंगा? बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नंदनवन, अकाउंट नंबर है 2762011000254417। मिस्टर अशोक जैन माय फादर। ओके सर, अगर किसी को जीपे या फिर फोन पे करना हो तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा? 9923998111। आप इस पे जीपे या फोन पे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो जी। लेकिन 20 जुलाई के पहले, क्योंकि 20 जुलाई को मास्टर श्रेयांश जो है वो अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। एक बार फिर इनविजन की पूरी टीम की ओर से मास्टर श्रेयांश आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। इनविजन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, मैं हूं रूपा पंडित, मैं लेती हूं यहीं पर इजाजत, और आप देखते रहिए इनविजन न्यूज। नमस्कार।